नमस्कार दोस्तों, मुझे बोला गया था कि 1 बजे आना है, मैं लेट नहीं, मैं बहुत टाइम पे आ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दोस्त हैं ये मनोज जी, और मनोज जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, इनके कान को जानता हूँ, अवतार जी को बहुत दिनों बाद मिला हूँ। तो मनोज जी ने मुझे कहा कि मेरा इस फिल्म पे भरोसा है और मैंने अच्छा काम किया है, फिल्म अच्छी है, तो आप आ जाइए। और तो मैंने इनसे और कुछ नहीं पूछा और मैं आ गया। ये फिल्म आई एम श्योर वो सही वक्त पे बन रही है, सही वक्त पे बननी भी चाहिए, और काफी लोगों का इसमें साथ है। जितने भी मंच पे लोग खड़े हैं, कुछ को मैं जानता हूँ, कुछ को कुछ शक्ल से ठीक लग रहे हैं, नेक लग रहे हैं, मतलब ठीक लग रहे हैं, मतलब नेक लग रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस थैंक यू हैप्पी टू सी यू आल्सो, जिस भी पर्पज के लिए ये फिल्म बनी है उस पर अपने आपको कामयाब पाएगी। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये इस तरह की फिल्में, अलग अलग किस्म की, अलग अलग थीम की फिल्में जो हैं, कश्मीर फाइल्स ने खोला एक रास्ता ऐसी फिल्मों के लिए भी जो लीक से हटके है लेकिन अच्छी जा सकती है अपने तथ्य के ऊपर। और मेरी शुभकामनाएं आप सबको, कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ओसवाल फिल्म्स का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये फिल्म बनाने की सोची, इसलिए कुलदीप उमराव ओसवाल जी का, प्रोड्यूसर का मैं आभार प्रकट करता हूँ एज एन एक्टर, और उनके जो पिताजी हैं उमराव ओसवाल जी, उनके जहन में ये बात आई और उन्होंने ये बात रखी, और नीरज सहाय जी जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने डायरेक्ट की। ये फिल्म क्या है ये तो टीज़र पे से पता चल ही गया होगा, उसका टाइटल भी है द यूपी फाइल्स। आजकल सारी फाइल्स निकलने लगी हैं, कश्मीर की भी फाइल निकली, उसके बाद केरल की निकली, अब ये यूपी फाइल्स क्या है? तो यूपी फाइल्स ये है कि एक राज्य, सत्ताधीश आते हैं
वो या तो राज्य को बिगाड़ सकते हैं या राज्य को सुधारने का काम कर सकते हैं। तो जो लोगों ने आके बिगाड़ने का काम किया था यूपी को, वो काम एक सीएम, नया सीएम आके क्या क्या कर सकता है और कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था और व्यवस्था का धर्म प्रस्थापित कर सकता है। व्यवस्था का धर्म याने क्या, कि जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके सुखों की व्यवस्था करना, ये राज्यकर्ता का धर्म है ना, वो धर्म की बात कर रहा हूं। और व्यवस्थापन का भी एक धर्म है, यानी व्यवस्थापन कैसा होना चाहिए और किस प्रकार से सुचारू रूप से राज्य चले, इसके लिए यदि एक सीएम सोचता है तो वो क्या परिवर्तन ला सकता है, ये है यूपी फाइल्स। सर, अगर किरदार को लेके बात करें, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी, क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी, अगर उस बारे में कुछ होगा। देखो, ऐसा है कि इसमें मैं चीफ मिनिस्टर का रोल अदा कर रहा हूँ। सिनेमा ये समाज का आईना है, समाज में बनती चीजें हैं उसको प्रॉपर ढंग से दिखाना, ओके? ये सिनेमा, नाटक, कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का जो माध्यम है वो करता है। तो मैं सीएम का पार्ट निभा रहा हूँ, तो उसके संवाद, उसकी जो कथा है उसको देखकर कैसा होगा उसका विचार विनिमय, और उन्होंने जो भी संशोधन किया था डायरेक्टर साहब ने, वो भी मेरे साथ साझा किया। और उसके बाद फिर मुझे लगता है बात होने के बाद 3-4 महीने के बाद हम फ्लोर पर गए और पूरी फिल्म जो है वो मुझे लगता है 2 टुकड़ों में उन्होंने पूर्ण की। तो उसकी तैयारी क्या है, देखो संहिता जो होती है, जो स्क्रिप्ट होती है और कैरेक्टराइजेशन जो किया हुआ है वो देख कर और उसको समझ कर ही आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ओके? अब ऐसा नहीं है कि भैया आप किसी की मिमिक्री करो तो वैसे लगेंगे, ऐसे ज़रूरी नहीं है। उसका सोल क्या है, वो रोल का, उसकी आत्मा क्या है वो समझ लें और परफॉर्म करें, वही मैंने काम किया है। सर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मूवी लॉन्च की गई है, ऐसा मैंने कहा? मैंने कतई नहीं कहा। आपको जो समझना है वो आप समझिए। और ऐसा है कि समाज में हो रही बातें, हमारे आसपास हो रही बातें, वो तो कभी भी कॉन्टेम्पररी है ना? तो अब आपको लगता है कि ये आया चुनाव इसलिए ये फिल्म आ रही है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। सर, एक फिल्म आई थी नायक, उसमें एक दिन का सेम बने थे अनिल कपूर जी, उससे सिमिलर है थोड़ा? यहाँ एक दिन का नायक नहीं है ये। अच्छा। ये एक दिन का नायक बना नहीं है, जो किरदार है मेरा वो एक दिन का नायक नहीं है, प्रॉपर व्यवस्थित नायक है। आपने सोचा था उसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले इंस्पायर होके, इनसे इंस्पायर होके हमने ये मूवी सोचा नहीं था, ऐसा था दिमाग में करेंगे। फिर एक दिन नीरज जी मिले, फिर काफ़ी बातचीत हुई, स्क्रिप्ट लिखी गई, काफ़ी बार लिखी गई, उसको चेंज किया करते गए। फिर बाकी था ऐसा ही कि एक फाइल बननी चाहिए, फिल्म बननी चाहिए, फिर इंस्पायर होते हुए बन गई। क्या योगी जी से हमने बात हुई थी इस बारे में कि इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं वो, किसी भी चीज को लेकर इंस्पायर होना, किसी व्यक्तित्व को लेकर इंस्पायर होना, कुछ घटनाओं को लेकर इंस्पायर होना, क्योंकि कथा तो वहीं से ही बनती है, किसी भी चीज से इंस्पायर होके ही बात बनती है ना, है ना, वही वो कह रहा है। लेकिन सर, मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने योगी जी से बात की है कि आपकी जो किरदार है आपका उसके ऊपर हम फिल्म बनाने जा रहे हैं, और क्या ऐसा कोई प्लान है कि इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाए योगी जी के लिए, अगर इस बारे में कुछ शेयर करें आप? अभी ऐसे कुछ चर्चा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा है प्रभु कि एक तो वो फिल्म योगी जी पर ही है, ऐसा भी कोई कमिटमेंट नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे यूपी की, सुनिए ना, और अगर स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर देखना चाहेंगे तो ज़रूर उनके लिए हम लोग डेफिनेटली स्क्रीनिंग रखेंगे ही, और हम चाहेंगे कि वो भी देखें, निश्चित रूप से चाहेंगे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जो आप बनाया, क्या हुआ है, हुआ ऐसा देखने को मिल रहा है? हाँ,
सर पूरी स्क्रिप्ट के बारे में बताऊं? हाँ बताइए, विचार कैसे आया? शॉर्ट में बताऊं, आई एम इन रियल स्टेट बिजनेस। मेरे काफ़ी सर्कल है यूपी के, हमारे दबंग कह सकते हैं कि हमारे एरिया में गिने जाते थे मिस्टर सीडीसी। उन्हें यूपी जाना था तो वो जीप लेकर के निकले थे। वो बोले यार ऐसे टाइम में हमें पहुंचना पड़ेगा, जो घटना बनी कि यार शाम को अगर वहाँ पहुँचते हैं तो हम प्रवास नहीं कर सकते, ट्रक मतलब सफ़र नहीं कर सकते, लोग लूट लेते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये कुछ साल पहले की बात, कि यार इस ज़माने में भी अभी तक ऐसा राज्य है जहाँ पर लूट खसोट होती हो। मैंने कहा यहाँ तो आप राजा कहलाते और वहाँ ऐसी हालत है? बोले हाँ यार। अभी कुछ समय पहले हमारा साल भर पहले मिलना हुआ, बोले यार अब बहुत सुकून है, कभी भी जाओ कोई तकलीफ नहीं होती। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया भाई कि इतने कम टाइम में ये बदल गया? तो इसको लेकर के मेरे पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश की और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर हमारे एक योगी जी के आने से उस बिगड़े हुए स्टेट्स की हालत अगर ऐसी हो सकती है कि जहाँ की दुर्दशा ऐसी थी कि गवर्नमेंट ऑफिस पे भी वहाँ पे प्राइवेट लोग ताला मार देते थे अधिकारियों को बाहर निकाल कर, उस सारी घटनाओं को जब यूपी को एक बेस्ट स्टेट्स बना दिया जहाँ पर निडर होकर के औरतें भी रात को निकल सकती है और विकास की गति भी अनाप शनाप हुई, तो मैंने कहा यार क्यों नहीं ये बात हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचाई जाए। ऐसा सोच करके नीरज जी और हम बैठे थे हमारे गार्डन में और बैठे बैठे ऐसा विचार आया और हमने कहा यार एक फिल्म बना दी जाए और इसको कार्य रूप दिया जाए। मंत्री जी आपसे जानना चाहूँगा आपके किरदार के बारे में बताइए और कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का? तो इस फिल्म में जो मैं किरदार निभा रही हूँ वो बेसिकली एक एक स्ट्रॉन्ग कॉप का है। किसी भी पूरा डिटेल में कॉप नहीं समझेंगे लोग। एक अच्छे सीएम को अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। दैट इज़ वेयर आई कम इन। सो आई एम हैंडलिंग द वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ द पुलिस फोर्स। आई एम श्योर आपका किरदार देखने के बाद बहुत सॉफ्ट हमने देखा है बॉलीवुड में, क्या आपने किसी से इंस्पिरेशन ली किरदार के लिए? अगर नहीं, मैंने फिल्म में से किसी से इंस्पिरेशन नहीं ली। आई डिड माई रिसर्च अबाउट द रियल फीमेल कॉप्स दैट आर देयर इंडिया में, तो उनमें से एक के ऊपर I have done my little research. क्या कहना चाहेंगे आप, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरी फिल्म का? और जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लोग आई एम श्योर देखना चाहेंगे इसको, और अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अगर आपके किरदार के बारे में? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मैं नीरज को बहुत सालों से जानता हूँ, इसने हमारे साथ बहुत एज असिस्टेंट फिल्में की हैं और इसमें जो किरदार है वो अपना सीएम के गुरु का है और सीएम के गुरु के प्रति वो कैसा बचपन से ही उसके साथ है और उसकी आज्ञा मानता है, उसका बहुत ही ओबीडियंट शिष्य है और कैसे उन दोनों में एक बड़ा अच्छा रिलेशन है और कैसे उसको इंस्पायर करता है वो आदमी कि भाई आपको ये काम करना चाहिए और वो इस बात को मान लेता है और फिर आगे धीरे 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 वो सीएम बन जाता है। और मैं समझता हूँ आज के ज़माने में ऐसी फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी है। कहना चाहूँगा कि मेरे लिए एक ऑनर है इस फिल्म में काम करना, क्योंकि जब ये नीरज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे रोल बताया तो मैंने कहा कि यार फुटेज ज़्यादा नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आएगा। नीरज आए मेरे पास, उन्होंने मुझे कहानी बताई, कहानी तो बहुत अच्छी लगी लेकिन मेरा किरदार, बोले भाई अभी सारी कास्टिंग हो चुकी है, ये मेरा एक किरदार है, आई वॉन्ट यू टू डू इट। तो मैंने कहा कि यार इसमें कुछ इतना वो नहीं है, तो बोले आप एक बार विस्तार से स्क्रिप्ट के साथ सुनो। तो उन्होंने मुझे आके बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग लगा, क्योंकि नेगेटिविटी, नेगेटिव फोर्स जब तक स्ट्रांग नहीं हो तो पॉजिटिविटी कभी उठ के नहीं आती सिनेमा में, जैसे आप सब जानते हैं। तो मैंने एक डीसीपी का रोल किया है, बहुत स्ट्रांग कैरेक्टर है, ज़्यादा फुटेज नहीं है लेकिन सीएम साहब के साथ कन्फ्रंटेशन की सीन और ये उनके कैरेक्टर को और ज़्यादा उरूज देने का काम करता है ये कैरेक्टर्स, वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स। और ख़ास तौर से नीरज सहाय ने इतनी शिद्दत और इतनी मोहब्बत से ये फिल्म बनाई है और इतना उसने
काम किया है, मतलब एक वन पॉइंट एजेंडा जैसे कहते हैं, उस तरह से उन्होंने फिल्म बनाई है। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। जो टीजर देखा कमाल है, और हमारे प्रोड्यूसर साहब, इंटायर स्टार का सब सारे दोस्त हैं, और इट वॉज अ प्लेजर टू डू दिस फिल्म। मनोज सर, और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अवतार सर ने कहा कि इस तरह के टॉपिक पर पिक्चर बननी चाहिए, और आपने भी कहा कि फिल्में समाज का आईना होती है, तो आपको लगता है कि ये फिल्म देखने के बाद और स्टेट्स को भी एक मैसेज जाएगा कि क्राइम रेट्स कैसे कम किए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें और भी बताई जाएगी इस फिल्म के थ्रू? निश्चित। दूसरी मतलब प्रोड्यूसर साहब ने जिस तरह से विस्तारपूर्वक कहा, मेरा कहना इतना ही है कि एक स्टेट, एक राज्य जिसमें चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो बंदूकधारी माफिया हो, चाहे वो किसी भी तरह के माफिया हो, जिससे पूरा सिस्टम खोखला हो जाता है और जंगल राज हो जाता है, तो ऐसी जो व्यवस्था है वो बिगड़ गई है, और ऐसे में एक सीएम आता है उस प्रदेश में, और उस प्रदेश में माफियाओं से लेकर, सारे भू माफियाओं से लेकर, कैसे विकसनशील बनाता है उस प्रदेश को, ये कहानी है, और ये कहानी आवश्यक है लोगों तक पहुंचनी और जानी चाहिए। इसलिए प्रोड्यूसर का, नीरज जी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद बार बार बोलता हूं कि इस प्रकार के विषय आने ही चाहिए और लोगों के सन्मुख जाने ही चाहिए, कि एक सेल्फलेसली काम करने वाला व्यक्ति जब आता है, कि जिसको कोई पर्सनल गेनिंग का इंटरेस्ट नहीं है, उसको एक ही गेन का इंटरेस्ट है, और एक ही सुख में उसका सुख है, जो प्रजा का सुख हो वो मेरा सुख है, ऐसा मानने वाला जो प्रदेश का मुखिया है, वो मुखिया कैसे चेंज करता है पूरे प्रदेश को, और ये हमने अपनी आंखों से, हमने न्यूज में सब जगह देखा हुआ है, और यूपी में खासकर हम सब लोग परिचित हैं इस चीज से, और कैसे उनके आने के बाद यूपी विकास के विकास किस तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, हम आज भी देखते हैं यूपी, मतलब आज अयोध्या बना, अयोध्या के कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो कितनी जबरदस्त तरीके से ये होगी, मैं तो एक खाली उदाहरण बता रहा हूं, अद्भुत उदाहरण है ये। उस प्रकार से चाहे वो फिल्म सिटी का भी माध्यम हो, अगर उत्तर प्रदेश की बात हो रही है इसलिए मैं बोल रहा हूं, तो जैसे कहा कि रात को निकलना मुश्किल होता था, एक एक थोड़ा जो माफियाओं से डर का जो माहौल था, ओके, वो डर खत्म कर दिया, और विकास का रास्ता इतना जबरदस्त खोल दिया कि वो मतलब 6 रोड का रास्ता हो गया। तो ये बातें सब पहुंचनी चाहिए लोगों के समक्ष, है ना? तो आपके सवाल का यही जवाब है। थैंक यू अशोक जी, बोलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी बातें होनी थी वो सारी बातें हो गई है, और केवल फिल्म के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि इंस्पिरेशन होता है, जैसे ओसवाल सर ने बताया कि एक साल में ये परिवर्तन उन्होंने देखा, ये इन लोगों का बहुत बड़ा बड़प्पन है। बड़प्पन इसलिए है कि कमर्शियल थॉट प्रोसेस इनके दिमाग में नहीं आएगा। मनोज जी ने ये कहा कि ये सोसाइटी का मिरर आईना होता है, हम लोग जो है इस माध्यम के जरिए हम रिएक्ट होते हैं, हम व्यक्त होते हैं, और एक बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, एक इंसान को ऐसा लगा कि मुझे अपने सोसाइटी और समाज के प्रति रिएक्ट होना है, उन्होंने सिनेमा या माध्यम चुन लिया, नीरज जी के साथ बैठकर स्क्रिप्ट के बारे में वर्कआउट किया। अब ये कहानी के अंदर बिगड़ी हुई जो व्यवस्था है, तो अब ये कहानी के अंदर जितने किरदार होते हैं उन सारे वृत्ति और प्रवृत्ति का प्रदर्शन ये सिनेमा है, तो उसमें से एक प्रवृत्ति का किरदार मैं निभा रहा हूँ, जो एक क्या कहते हैं उसे, बिगड़ी हुई विश्व व्यवस्था का नायक कहेंगे हम लोग। तो ये सोसाइटी से ही हम लोग उठाते हैं, सोसाइटी को ही हम लोग फिर वापस देने की कोशिश करते हैं, उसको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती, कई बार वो लगता है, अगर लगे तो लगना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट होता हो रहा है, होने जा रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम भी नजर आने लगा। एनिमल राज था, जो रावण राज था, उसको खत्म करके कैसे राम राज्य प्रस्थापित हो सकता है, उसका उत्तर है द यूपी फाइट्स। दूसरी एक बात हमारे प्रोड्यूसर साहब और हमारे उमराव जी,
कुछ आपसे बातें करना चाहेंगे, लेकिन मैं मीडिया से प्रार्थना करता हूं कि इस फिल्म के लिए आप जितना हो सके उतना जनता के करीब जाए और जनता तक पहुंचाए। आप सब पहुंचाने की कोशिश